सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है, लेकिन देश भर में इसे लागू करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने के फैसले को यूथ फॉर इक्वेलिटी नाम के ग्रुप और डॉ. कौशल कांत मिश्रा ने चुनौती दी है। इसमें कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की ओर से तय अधिकतम 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होता है, क्योंकि सिर्फ सामान्य वर्ग तक ही आर्थिक आधार पर आरक्षण सीमित नहीं किया जा सकता। अर्जी में सरकार के फैसले को संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन बताते हुए दोबारा विचार की मांग की गई है। इससे पहले इसी मामले को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में भी एक अर्जी दाखिल की गई थी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान सामाजिक गैर बराबरी दूर करने के मकसद से रखा गया है, लिहाजा इसका इस्तेमाल गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तौर पर नहीं किया जा सकता। लेकिन मोदी सरकार ने सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था संविधान में 124वें संशोधन के जरिए दी है। सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने संबंधी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पास हो चुका है। लोकसभा में 323 सांसदों ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देने के पक्ष में वोट किया था, जबकि 3 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किए थे। इसके अलावा राज्यसभा में भी ये बिल आसानी से पास हो गया था। आरक्षण के पक्ष में 165 वोट पड़े थे, जबकि विपक्ष में 7। संसद से पारित होने के बाद बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लग चुकी है। दरअसल मोदी सरकार की कोशिश थी कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने से उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। SC/ST एक्ट में संशोधन ने सवर्णों को नाराज कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी थीं, जिसका असर बीजेपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में देखने को भी मिला। उसके बाद केंद्र सरकार की कोशिश थी कि किसी तरह आम चुनाव से पहले सवर्णों की नाराजगी दूर कर ली जाए, लिहाजा उन्हें आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का फॉर्मूला सरकार ने निकाला था। और चूंकि चुनाव के मौसम में कोई भी पार्टी सवर्णों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती थी, लिहाजा ये बिल भी आसानी से दोनों सदनों में पास हो गया था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।